हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो रॉयल एनफील्ड का मेटियोर है उसमें इंजन ऑयल कैसे ड्रेन करके फ्लश करके फिर नया वाला रिप्लेस कर सकते हैं। ये पूरे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। एंड गाइस, मैं यहाँ पे मोटुल 300V का जो इंजन ऑयल रहता है वही वाला यूज़ करने वाला हूँ। मैं क्यों जो रॉयल एनफील्ड का सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है वो क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसका भी रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। तो इस वीडियो में बने रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड उसके साथ साथ लाइक बटन को भी दबा दीजिए गाइस। ये बिल्कुल ही फ्री है। अभी आप जो सारे चीज़ देख रहे हैं ये सारे चीज़ आपको इंजन ऑयल के चेंज के दौरान ही ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको एक एक करके बता दूँ। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ये मोटुल का 300V ये इंजन ऑयल है। दो चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जो मीटियर का इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल कैपेसिटी होता है वो 1.7 लीटर का है, तो इसी वजह से ये एक जार में 1 लीटर रहता है, तो आपको दो चाहिए होगा। फिर उसके बाद एक फनल चाहिए, क्योंकि जो मीटियर का इंजन ऑयल का इनलेट होता है वो थोड़ा टिल्टेड रहता है, इसी वजह से आपको एक फनल चाहिए। फिर आपको चाहिए ये लिक्विड मोलिका इंजन फ्लश। ये क्या होता है गाइस, ये जो पुराना आपका इंजन ऑयल है तो वहाँ पे जितना भी पार्टिकल वगैरह रहा होगा वेयर एंड टेयर से, जितना भी रहा होगा जो स्लज वगैरह, तो वो सबको ये क्लीन करके फ्लश करके निकाल देगा गाइस। तो इसी वजह से क्या होगा, ये फ्लश होने के बाद ये जो डालेंगे तो उससे अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, अच्छा माइलेज बढ़ेगा, तो इसी वजह से मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो जो इंजन ऑयल डाला हुआ है अभी रॉयल एनफील्ड का वो डिफरेंट वेरिएंट है, क्योंकि वो सेमी सिंथेटिक है और ये फुल्ली सिंथेटिक है, तो अभी उसमें दो मिक्स हो जाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको जैसे भी करके आप ये यूज़ कीजिए। फिर आता है गाइस ये एलन की, मैं आपको मार्केट में ये मिल जाएगा, मेरे को ये 150 रुपीज़ में मिल गया था। क्योंकि आपको जो रॉयल एनफील्ड का ऑयल फिल्टर चेंज करने का जगह होता है, जो एलन की ज़रूरत पड़ता है, वो सब ये टूल किट जो रॉयल एनफील्ड देता है उसमें आपको नहीं मिलेगा, इसी वजह से आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद चाहिए और एक आपको टूल किट में ये वाला टूल्स मिल जाएगा। फिर गाइस आपके साथ ये आपको इंजन ऑयल के चेंज करने के साथ साथ आपको ऑयल फिल्टर जो रहता है ये भी चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपका रॉयल एनफील्ड के शोरूम से डीलर से ले सकते हैं, जेन्युइन वाला ये यूज़ करें, मैं रिकमेंड करूँगा। इसको चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है गाइस, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है और आप देख सकते हैं ये सारे चीज़ मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप इस आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो बाइक है उसको स्टार्ट करके आइडल पोजीशन में 15 मिनट तक आप इसको छोड़ दीजिए। तो मैं अभी वही करने वाला हूँ, इसको स्टार्ट करके इसको 15 मिनट के लिए मैं इस बाइक को अपना छोड़ दूँगा। तो इससे क्या होगा, जो इंजन ऑयल है वो हीट हो जाएगा। फिर इंजन ऑयल हीट होने के बाद गाइस आपको जो लिक्विड वाली इंजन फ्लश रहता है उसको आपको डालना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं ना, जो ये इंजन ऑयल लिक्विड फ्लश है इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ 15 मिनट के बाद, इंजन जब हीट हो जाएगा। सो गाइस, मेरा जो बाइक है 15 मिनट स्टार्ट करके रखा था तो इंजन सेंस की हीट हो गया है, तो अभी क्या करने वाला हूँ, ये जो इंजन का इंजन ऑयल डालने वाला, चलो उसको खोल के फिर ये जो लिक्विड वाली इंजन फ्लश होता है वो डालने वाला हूँ। सो गाइस, इंजन फ्लशर डालने के बाद ये नॉब को क्लोज कर दें एंड आपका जो बाइक है उसको थोड़ा 5 मिनट के लिए आप फिर से आइडल पोजीशन में स्टार्ट करके छोड़ दें, ताकि ये जो इंजन ऑयल है पूरा इंजन में सर्कुलेट हो जाए। सो गाइस, इंजन फ्लश डालने के बाद बाइक स्टार्ट रखने का फ़ायदा ये है कि ये जो लिक्विड है पूरा इंजन में सर्कुलेट हो के जितना भी स्लज पार्टिकल या फिर वेयर एंड टेयर से जितना भी पार्टिकल निकलता है उसको कलेक्ट करके नीचे स्टोर होता है गाइस। 5 मिनट हो गया, इंजन को अभी बंद कर दिया हूँ, तो अभी इंजन ऑयल को थोड़ा सेटल डाउन होने देते हैं, फिर जाकर इंजन ऑयल जो है निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो गाइस अभी मैं इंजन ऑयल जो है उसको फ्लश आउट करने वाला हूँ। ये वाला नट और ये वाला नट इन दोनों को खोलना पड़ेगा, तभी इंजन ऑयल जो है फ्लश आउट हो जाएगा। उसके पहले आप नीचे एक कंटेनर रख दें, फिर जाके इंजन ऑयल को फ्लश आउट करें। मैं आपको फ्लश आउट करके फिर दिखाता हूँ गाइस। सो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इंजन ऑयल जो फ्लश आउट हो रहा है, तो इंजन ऑयल फ्लश आउट होते होते ऑयल फिल्टर जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो फ्रेंड से ऑयल फिल्टर वो चेंज करने का जो जगह होता है वो ओपन कर रहा है।
एंड गाइस मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जब भी अपना इंजन ऑयल जो है चेंज करते हैं तो उसके साथ ऑयल फिल्टर का भी चेंज करना जरूरी होता है गाइस। तो इसके लिए ये ओनली 87 रुपीज़ पड़ता है, लेकिन ये बहुत काम का चीज़ होता है, इसीलिए आपको ऑयल फिल्टर जो है चेंज कर लेना चाहिए। एंड गाइस ये देख सकते हैं मेरा ऑयल फिल्टर जो है उतना ख़राब नहीं हुआ है, तो फिर भी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑयल जो फिल्टर है चेंज करते वक्त तो कहीं मैल ना चले जाए, इसलिए उसको जगह को पूरा क्लीन करके रखना चाहिए। क्लीन करके ही आप ये जो नया ऑयल फिल्टर है इंसर्ट करें। एंड गाइस जो नया ऑयल फिल्टर है उसको न्यू इंजन ऑयल में डीप करके ही फिर इसके बाद इंसर्ट कीजिए। सो गाइस ऑयल फिल्टर जो रिप्लेस होने के बाद अभी जो इंजन ऑयल जो है फिल किया जा रहा है, जैसे देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 1.7 लीटर से ज़्यादा आप जो इंजन ऑयल है रिफिल ना करें, क्योंकि इससे आपका जो इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए गलती से अगर 1.7 लीटर से ऊपर हो गया है तो आप इसको निकाल दें। सो गाइस मोटुल 300V जो है फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, इसी वजह से क्या होता है आपका जो बाइक लॉन्ग रनिंग होता है, बहुत इंजन हीट होता है, तब भी ये जो इंजन ऑयल है इसका विस्कोसिटी कम नहीं होता है। लेकिन जो आपका जो रॉयल एनफील्ड का लिक्विड गन जो इंजन ऑयल आता है वो सेमी सिंथेटिक रहता है, एंड अगर लॉन्ग रन में बाइक का जो इंजन ऑयल है उसका विस्कोसिटी जो है कम हो जाता है गाइस। इसी वजह से क्या होता है परफॉर्मेंस भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। एंड गाइस मोटुल 300V से आपका जो गियर शिफ्टिंग है, क्लच फंक्शन है, बहुत ही स्मूथ हो जाता है गाइस। एंड बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत स्मूथ हो जाता है, इससे क्या होता है आपका जो बाइक का माइलेज है वो भी बढ़ जाता है। आई होप गाइस आपको जो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।